हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम के अंदर एक सवाल है। सवाल ये है कि हमें केवल और केवल परचेज की ही एंट्री देखनी है। तो हमारी जो भी कंपनी बनी हुई है, ठीक है, उस कंपनी में केवल और केवल परचेज की ही एंट्री देखनी हो या सेल्स की ही एंट्री देखनी हो, तो कोई भी एक कंपनी पहले हम चूज करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप जीएसटी कंपनी करके एक कंपनी बनी है, इसी कंपनी के अंदर केवल और केवल परचेज वाली एंट्रीज देखनी है, तो कहां आपको जाना चाहिए, कैसे आप क्या करेंगे कि आपको केवल परचेज वाली ही एंट्री नजर आए। ठीक है, अगर आप यहां से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाते हैं, ये देखिए ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे गए, फिर यहां से आपको क्या करना है, यहां पे आपको जाना है अकाउंट्स बुक पर। ये अकाउंट्स बुक पे गए, अब जैसे ही अकाउंट्स बुक पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम रजिस्टर्स नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर कंट्रा रजिस्टर है, पेमेंट रजिस्टर है, रिसिप्ट है, सेल्स है, परचेज है, जर्नल है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। तो जिस भी टाइप का आपको एंट्री देखना हो उनमें से कोई एक चूज कीजिए। सपोज कीजिए कि हमें परचेज का देखना है, तो आपको खाली कीबोर्ड से देखिए पी हाईलाइट है, देखिए यहाँ पर पी हाईलाइट है, परचेज रजिस्टर का पी आपको हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आपको खाली कीबोर्ड से पी प्रेस करना है और पी प्रेस करते ही आपको परचेज रजिस्टर दिखना शुरू हो जाएगा और उसकी एंट्रीज भी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो एक एंट्री दिख रही है यहाँ पर फिलहाल, तो ठीक है। इसी तरीके से सेल्स रजिस्टर में अगर जाना है तो सेल्स रजिस्टर का एस हाईलाइट है, तो आप यहां पर आकर के एस प्रेस कर सकते हैं और यहां पर आपको सेल्स रजिस्टर भी दिखेगा। तो हालांकि कोई सेल्स में एंट्री ही नहीं पास हुई है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है रिसिप्ट का रजिस्टर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये रिसिप्ट का रजिस्टर एंटर करके जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। पेमेंट, कंट्रा, सबका रजिस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और ये बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सामान की वापसी हुई है तो डेबिट नोट, ठीक है, और अगर आप होलसेलर पार्टी हैं, सामान वापस किया जा रहा है डेटर पार्टी के द्वारा, तो आप उस सामान को रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट में एंट्री होती है, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट रजिस्टर में जाएंगे तो वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कभी भी कि आपको केवल परचेज की ही एंट्री दिखाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए टैली के अंदर, तो आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।